सो हमारी मूवी की शुरुआत में हम दो पेस्टिस को देखते हैं जिसका नाम शाओबी और मिनी होता है। यहाँ पर फुला क्लब में आए होते हैं और तौर मिनी शाओबी को कह रही थी कि तुम देख रही हो आज कितने हैंडसम हैंडसम लड़का है, तुम्हारे पास मौका है। यहाँ पर शाओबी उसे मना कर देती है लेकिन मिनी उसे कहने लगती है कि आज नहीं तो तुम कब करोगी, क्योंकि अब तो तुम्हारा डाइवोर्स भी हो चुका है। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हस्बैंड का असिस्टेंट आया हुआ था वो डाइवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए, साथ साथ वो उसे 50 मिलियन और एक विला भी गिफ्ट करता है। यहाँ पर शाओबी खुशी खुशी डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड से अभी तक नहीं मिला था। यहाँ पर फिर बाद में उसकी फ्रेंड किसी और लड़की के पास चली जाती है तो शाओबी के पास में एक लड़का आता है जो उसे लेकर रूम में चला जाता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पर शाओबी उसे रोकती है और तो और उसका आई मास्क उतर जाता है, जहाँ पर उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये तो यूचेन है और यूचेन ही उसका हस्बैंड होता है। एंड यहाँ पर वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं, जहाँ पर शाओबी हमें बता रही थी कि 5 साल हो गई थी उनकी शादी को लेकिन एक बार भी उसका हस्बैंड उसे मिलने के लिए नहीं आया था। इसके बाद में हम पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़के शाओबी को छेड़ रहे थे तो फिर वहाँ पर यूचेन आ जाता है, जहाँ पर शाओबी यूचेन के पास जाती है तो वो गिरने वाली थी लेकिन यूचेन उसे बचा लेता है। एंड यहाँ पर वो दोनों गुंडे कहते हैं कि अभी के अभी इस लड़की को छोड़ दो, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। एंड यहाँ पर फिर बाद में गुंडे उसे मारने आते हैं लेकिन वही गुंडे को मजा चखा देता है। और एक बार फिर से हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले लीन खुलती है हमारी शाओबी की और वो यूचेन को देखने लगती है। इसके बाद में वो अपने कपड़े चेंज करती है तो यूचेन के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, वो कॉल को शाओबी उठा लेती है और उसमें एक लड़की बात कर रही थी तो शाओबी नाटक कर कहने लगती है कि तुम्हारे बेबी ने मुझे बेड पर कल रात को बेबी बुलाया था। और यहाँ पर वो सामने वाली लड़की गुस्से में आ जाती है लेकिन यहाँ पर शाओबी फ़ोन कट कर उसे डस्टबिन में फेंक देती है, साथ ही साथ वो वहाँ पर 2000 की नोट भी छोड़कर चली जाती है। उसके जस्ट जाने के बाद यहाँ पर नींद खुल जाती है हमारे यूचेन की और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं तुम्हें एक बार बस मिल जाओ फिर तुम देखना। दूसरा वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और बोलता है कि पता लगाओ कल रात को मेरे ड्रिंक में किसने जग मिलाने की कोशिश की थी। और साथ ही साथ में वो उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि आपने जैसा कहा था वैसा डाइवोर्स मैंने फाइल कर दिया और आपकी वाइफ ने उसे साइन भी कर दिया। यहाँ पर यूचेन कहता है कि बिना कुछ बोले उसने डाइवोर्स साइन कर दिया तो फिर वो कहने लगता है कि हाँ उन्होंने बस इतना कहा है कि आपकी मम्मा को हाँ बोलने के लिए और आपकी मम्मा को हाय बोलने के लिए। यहाँ पर यूचेन गुस्से में आ जाता है। दूसरा यूचेन जा रहा होता है अपनी न्यू वाली कंपनी में इंस्पेक्शन करने के लिए और उस कंपनी में हमारी शाओबी भी होती है जो उस कंपनी में काम करती है और यहाँ पर वो देरी से आती है। इतने में वहाँ पर आ जाता है यूचेन जिसकी नज़र सबसे पहले जाती है शाओबी पर और वो उसके बैज को देखने लगता है जो कि तेरा लगा हुआ था और उसे कहने लगता है कि अगर ये गलती तुमने नेक्स्ट टाइम से की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ही दूंगा। दूसरा वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर मैनेजर उस पर चिल्लाता है, साथ ही साथ वो उसे बताता है कि अब से तुम मिस्टर यूचेन की होने वाली हो असिस्टेंट। यहाँ पर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहती है कि मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पर असिस्टेंट वाले काम क्यों करूँ। लेकिन यहाँ पर मैनेजर उसे शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि जैसा कहा है वैसा करो वरना रिजाइन कर दो। दूसरा यहाँ पर उसका असिस्टेंट यूचेन से पूछता है कि आखिर आपने ऐसी लड़की को अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया जो इंजीनियर का काम करती है। यहाँ पर यूचेन कहने लगा कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं बॉस हूँ और तुम असिस्टेंट, तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है शाओबी जहाँ पर वो उसे पूछती है कि आपको चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी और वो उसे कॉफ़ी देने का ऑर्डर करता है। जहाँ पर वो चली जाती है तो यूचेन बोलने लगता है कहीं ये मेरा अटेंशन लेने का तो कोशिश नहीं कर रही। इसके बाद में शाओबी बाहर आकर कहने लगती है कि मेरा मन तो उसे वहाँ जाते ही थप्पड़ लगाना था लेकिन मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इतने में उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि तुम्हें भोयू के पास जाके उसे मिलना होगा, वो अब वापस आ चुका है। यहाँ पर भोयू जो होता है वो मिस्टर यूचेन का सरनेम होता है लेकिन यहाँ पर वो उसे कह देती है कि ग्रैंडपा। लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाता है असिस्टेंट जो कहने लगता है कि मिस्टर आपको बुला रहे हैं, तो फिर वो ग्रैंडपा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर मिस्टर यूचेन उसे बोलने लगता है कि मेरी गिफ्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करो। यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि गिफ्ट, अब ये किसको गिफ्ट देना चाहता है, मेरे साथ तो डाइवोर्स ले लिया। फिर वो उसके पास आकर उसे पूछता है कि क्या मैं कभी तुमसे मिला हो। यहाँ पर शाओ भी मन में बोलती है कि हाँ एक रात पूरी स्पेंड की है हमने, लेकिन वो उसे मुंह पर ये चीज़ नहीं बोल पाती और कहने लगती कि नहीं मेरा फेस बहुत कॉमन फेस है और इतना ब्यूटीफुल कि सबको लगता है कि उन्होंने मुझे सपनों में देखा हुआ है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है एंड गिफ्ट लेकर आ जाती है।
यहाँ पर वो गिफ्ट को लेकर बोलने लगती है कि ये मैडम शीन को जरूर पसंद आएगा। जहाँ पे वो उसे गुस्सा होकर कहता है कि मैं शीन के लिए नहीं लाया हूँ, जाकर इसे मेरी एक्स वाइफ के घर पर डिलीवर कर दो। यहाँ पर शाबी मन में कहने लगती है कि आज तक 5 साल में मुझे इसने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया और डाइवोर्स आने की बात ही मुझे गिफ्ट दे रहा है। जहाँ पर यूचन को रियलाइज होता है कि शाओबी का नाम और उसकी वाइफ का नाम दोनों नाम सेम है और यहाँ पर वो उसे कोड़ता जाता है। जहाँ से शाओबी चली जाती है और यूचन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि क्या ये मेरे से खुश नहीं है। बस इसके बाद में वो चली जाती है लिफ्ट की ओर अपनी बेस्टी को कॉल लगाकर और तो और यूचन और कंपनी के बारे में बुराई करने लगती है। जहाँ पर यूचन उसका असिस्टेंट पीछे से आ जाता है। यहाँ पर वो सीढ़ियों से जाने लगती है तो यूचन उसे खींचकर लिफ्ट के अंदर बुला लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पर वो उसे एक बिजनेस मीटिंग के लेकर चला जाता है जहाँ पर एक चीफ गेस्ट होते हैं और तो और वो शाओबी को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं लेकिन शाओबी उन्हें मना कर देती है। जहाँ पर चीफ गेस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है तो फिर वो कहने लगता है कि तुम मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। शाओबी उन्हें बताने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आज के दिन मैं मेरी बॉस की ड्राइवर बनी हूँ, तो अगर आप सब लोग ड्रिंक कर लोगे तो फिर आपको घर छोड़ने वाला कौन रहेगा। और यहाँ पर फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद में यूचन पीनट बटर खाता है जहाँ पर शाओबी उसके मुँह से वो निकाल देती है। यहाँ पर यूचन को गुस्सा आ जाता है, वो उसे पूछता है कि मुझे इस चीज़ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए और यहाँ पर शाओबी बताने लगती है कि तुम्हें पीनट बटर से एलर्जी है। फिर बाद में यूचन सोचने लगता है कि तुम्हें ये कैसे पता। शाओबी बहाने माने लगती है कि सारी चीज़ें इंटरनेट पर थी तो पता ही होगा ना सबको कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। इसके बाद में वो लोग बाहर निकलते हैं जहाँ पर शाओबी भागते हुए अपनी फ्रेंड की कार में बैठ जाती है। दूसरा यहाँ पर यूचन को कॉल आता है उसे ग्रैंडपा का जो उसे कह रहे थे कि मुझे तुम्हें और तुम्हारी वाइफ से मिलना है। यहाँ पर इतना बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर बाद में यूचन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ग्रैंडपा को पता तो है ना कि हमारा डिवोर्स हुआ है, न जाने क्यों बार बार वो मिलने की बात करते हैं। यहाँ पर उनका असिस्टेंट कहने लगता है कि नहीं एक्चुअली मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं क्योंकि 2 ईयर्स से उनकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है और कुछ मंथ्स में तो उन्हें खून की उल्टी भी हुई है, तो मैं डर रहा हूँ उन्हें ये सारी चीज़ें बताने से, क्या पता उन्हें अचानक से हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आ गया। तो फिर इसके बाद में हम देखते हैं मिनी को और शाओबी जहाँ पर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। दूसरे दिन यहाँ पर शाओबी चली जाती है साइड पर जहाँ पर यूचन और उसका असिस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं तो फिर शाओबी के हाथ से वो एक एनवेलप छूट जाता है और यहाँ पर चलते चलते उसके हील से पैर मुड़ जाता है जहाँ पर वो गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर यूचन उसे बचा लेता है और ठीक सेम पास वाले सीन की तरह ये सीन भी बन जाता है और हमें पास का सीन भी दिखाया जाता है। इसके बाद में उन दोनों को कॉल आता है उनके ग्रैंडपा की तरफ से कि उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा बीमार है तो तुम्हें वहाँ पर आना ही पड़ेगा। जहाँ पर शाओबी पहुँच जाती है ग्रैंडपा से मिलने के लिए और बोलने लगती है कि आज मैं ग्रैंडपा को सब कुछ बताकर रहूँगी। यहाँ पर वो अंदर जाती है तो उसे ग्रैंडपा कुनफू की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो ग्रैंडपा से कहने लगते कि आप तो बीमार थे ना। यहाँ पर ग्रैंडपा बहाने मारने लगता है कि मैं तो बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा था, डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मैं जल्दी ठीक होऊंगा। इसके बाद में वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पर शाओबी उसे सब कुछ बता नहीं वाली थी कि इतने में मेन आकर कहने लगते कि मास्टर की कार बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं उसमें से मास्टर नहीं बल्कि एक डॉग निकलता है। यहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहाँ का जो गार्ड होता है वो बताने लगता है कि मास्टर गए हुए हैं मैडम शीन को लेने के लिए। फिर यहाँ पर शाओबी को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा यहाँ पर यूचन और उसका असिस्टेंट कार में बैठे होते हैं जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि डैडी ने हमें घर पर बुलाया था, यानी कि आप एक ग्रैंडपा ने, आपको नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। यूचन कहने लगता है वो मेरा इंतज़ार नहीं मेरी एक्स वाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हीं से मिलने दो, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। दूसरा यहाँ पर शीन आने लगती है जहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि आपकी हेल्थ की वजह से शीन डे बाय डे और भी ज़्यादा बेटर होती जा रही है। यहाँ पर यूचन कहने लगता है कि मेरे उसके ऊपर बहुत बड़े एहसान है, उसने मेरी जान बचाई थी जिस चक्कर में उसका पैर टूट गया था, तो इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकता हूँ। और यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर ड्राइवर बहुत गंदा ब्रेक मारता है और यहाँ पर शीन नाटक करने लगती है जैसे उसका पैर टूट ही गया हो वापस से। तो फिर वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने वाले थे लेकिन उन्हें शीन मना कर देती है। शीन कहती है कि मैं किसी होटल में नहीं रह सकती, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर पर। इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि सर ने आपके लिए एक विला बुक किया है और वो विला
विला उन्होंने खरीद लिया है जहाँ पर आप रह सकती हो। यहाँ पर वो यूजन को किस करने वाली थी, लेकिन यूजन अपना फेस पीछे कर लेता है और यहाँ से वो मुंह फुलाते हुए चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर शाओबी अपने ग्रैंडपा को अलविदा बोलकर जा रही थी उस डॉग को लेकर। तो फिर वहाँ पर यूजन की कार पाजू से ही जा रही थी, जहाँ पर यूजन शाओबी को देखता है। उसे लगता है कि शायद उसे वहम हो रहा है। इसके बाद में जब वो घर आता है तो उसे ग्रैंडपा उसे सुनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फिर बाबा यूजन उन्हें मक्खन लगाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा बहुत गुस्से में होते हैं और जाते जाते उसे कह कर जाते हैं, मुझे मेरा ग्रैंडचाइल्ड चाहिए, ना कि मुझे एक डॉग चाहिए, और ये बात अपने दिमाग में घुसा कर रख दो। दूसरे दिन यहाँ पर शाओबी अपने कलीग से पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास एक डॉग है ना, तो मुझे जरा बताना कि डॉग कौन से फूड खाना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर दोनों बात कर रहे थे तो पीछे से आ जाता है यूजन, जो शाओबी को अपने कैबिन में कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। और यहाँ पर वो गलती से उसके लिए चाय बना कर ले आ जाती है। जहाँ पर यूजन जब चाय को स्मेल करता है तो उसे चाय कुछ सिमिलर सी लग रही थी जो उसने अपने घर पे स्मेल की थी और जो उसकी वाइफ बना कर गई थी। फिर उसे शक होने लगता है, जहाँ पर शाओबी उसकी आइडेंटिटी बताने ही वाली थी, लेकिन इतने में शीन आ जाती है जो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। लेकिन यहाँ पर यूजन शाओबी को उसके साथ शॉपिंग पर भेज देता है, जहाँ पर शाओबी बहुत तंग आ जाती है। यहाँ पर शीन जब चली जाती है अपने शूज़ और जूते ट्राई करने के लिए, तभी वो यहाँ पर शाओबी को बुलाती है और कहती है कि मुझे चप्पल पहनाओ, लेकिन यहाँ पर शाओबी आगे नहीं आती। तो फिर शीन को गुस्सा आ जाता है और तो और उसे थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर शाओबी उसका हाथ पकड़ कर बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। और यहाँ पर शीन देखती है यूजन को आते हुए, तो फिर वो अपने हाथों से ही खुद को मारकर नीचे बैठकर रोने लगती है। जहाँ पर यूजन शाओबी को चिल्लाने वाला था, लेकिन शाओबी यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है और कहती है कि तुम सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर वो अपना फ़ोन साइलेंट करकर अपने घर चली जाती है और आराम से बाथटब में बैठकर रिलैक्स कर रही होती है। और रिलैक्स करते करते वो बेचारी सो जाती है, जहाँ पर उसे कॉल आने लगता है यूजन का। तो फिर यूजन उसे कहने लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, तुम हेवन होटल आकर मुझे पिक कर लो। और यहाँ पर शाओबी चली जाती है हेवन होटल में। शीन कहने लगती है कि ये तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, तो फिर शाओबी उसके साथ बैठ लगा लेती है कि अगर ये मेरे साथ गया तो फिर तुम पूरा बिल पे करना, और अगर नहीं किया तो मैं तुम दोनों का पूरा बिल पे कर दूंगी। और यहाँ पर वो उसे उठाने लगती है, जहाँ पर यूजन और शाओबी का फेस बहुत क्लोज होता है। यहाँ पर शाओबी सोचने लगती है कि 5 साल में पहली बार मुझे इंसान इतना हैंडसम लग रहा है, और वो उसे लेकर जाने लगती है। जहाँ पर वो उसे उसका एड्रेस पूछती है, तो फिर वो बोलने लगता है कि तुम इतनी प्यारी क्यों हो करके। यहाँ पर शाओबी को कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पर वो लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं। इतनी भी वहाँ से वो लॉयर जाता है जिसने डाइवोर्स फाइल किया था, और वो उस दिन आया था शाओबी से डाइवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए। यहाँ पर वो उसे देखकर कहता है कि आप दोनों वापस साथ में आ गए। यहाँ पर यूजन को भी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। इसके बाद में लॉयर का फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ। फिर लॉयर उसे बताने लगता है कि पहले तो इनकी शादी को 5 साल हो गया, ये लोग आपस कभी मिले नहीं, फिर डाइवोर्स फाइल किया और अब दोनों के दोनों डेट कर रहे हैं, फालतू का मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ पर शाओबी उसे लेकर उसके विला में चली जाती है, जहाँ पर वो उसे बेड पर लिटा देती है। यहाँ पर वो उसे देखी जा रही थी, जहाँ पर अचानक से नींद खुल जाती है यूजन की, और तो और वो उसे सिक्योरिटी समझ कर उसे धक्का मार देता है, जहाँ पर शाओ के सर में चोट लग जाती है। यहाँ पर यूजन उसे कहने लगता है कि तुम मेरा फायदा उठा रही हो। शाओ भी उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ घर तक छोड़ने आई, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया और अब तुम ही मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। यहाँ पर तो शाओ भी के सर से खून भी निकलने लगता है, लेकिन यहाँ से शाओ भी गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में उसे कैबिन में आती है, तो यूजन से माफी मांगने लगता है, लेकिन शाओबी उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। इतने में वहां पर असिस्टेंट आकर यूजन से कहने लगता है कि मैंने फाइनली वो दिन वाली लड़की ढूंढ ली है। और यहाँ पर शाओबी रुक जाती है और सोचती है कि जरा मैं भी तो देखूं कि मैं कैमरे में कैद भी हुई हूँ या फिर नहीं। और यहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लड़की का बस बैग था। यहाँ पर शाओबी की मन का तसल्ली होती है और मन में बोलने लगती है कि बैग की फोटो देखकर कौन ही पहचान सकता है कि ये लड़की कौन है। फिर यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि तुम्हारा बैग तो इसी लड़की की तरह लग रहा है। यहाँ पर फिर बाद में शाओबी पूरी कंफ्यूज हो जाती है। इतने में वो असिस्टेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें उस लड़की को ढूंढने के लिए 3-4 दिन और लगेंगे, वो तो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट जो होने वाली है। यहाँ पर बाद में यूजन उसे वहाँ से भगा देता है और शाओबी को कब्र निकालने के लिए बोलता है। शाओबी उसे मना करके कहती है कि जो तुम कर रहे हो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं, मैं क्यों अपने कब्र निकालूं।
यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर छाओबी युचेन को थप्पड़ मार देती है। इतनी भी आ जाती है वहाँ पर शीन, और शीन ये सारी चीजें देखकर छाओबी को मारने वाली थी, लेकिन युचेन उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर वहाँ पर शीन उसे लेकर मूवी के लिए जाने लगती है और युचेन छाओबी को ऑर्डर करता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और यहाँ पर वो लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर शीन का नाटक शुरू हो जाता है कि भूत कितना डरावना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पर छाओबी जानबूझकर कहने लगती है कि भूत कितना आर्टिफिशियल लग रहा है, इन्हें भूत बनाना भी नहीं आता। साथ ही साथ वो देखने लगती है कि शीन धीरे धीरे कर अपना सर उसके एक्स हस्बैंड के शोल्डर के ऊपर रख रही है। तो फिर वो जानबूझकर उनके ऊपर पॉपकॉर्न फेंक देती है और बाद में उसे सॉरी बोलकर बैठने के लिए बोलती है। इसके बाद में युचेन उसे बहुत गुस्सी की नजर से देखता है, जहाँ पर छाओबी मन में बोलने लगती है कि अगर इतना था तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। फिर यहाँ पर शीन मूवी देखते देखते कहने लगती है कि यहाँ की विलन तो मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ की जैसी दिख रही है। यहाँ पर वो उसके एक्स वाइफ के बारे में पढ़ाई करने लगती है, जहाँ पर शाओ के मुंह में कोल्ड ड्रिंक होता है तो वो उसके ऊपर ही निकाल देती है। यहाँ पर शीन को गुस्सा आता है, वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर युचेन छाओबी को बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझ कर रहे हो। यहाँ पर छाओबी उसे बिना कुछ जवाब दिए वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर उन दोनों का झगड़ा होने लगता है और शीन बोलती है कि इतनी हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। और यहाँ पर छाओबी बोलती है कि लगता है तुम्हें मेरे हाथों से मार खाने के लिए बहुत गाय है, तो देखो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। और यहाँ पर वो उसे सच में मारने लगती है और उसे मार के जाने लगती है, जहाँ पर युचेन उनकी आवाज़ सुन लेता है और वो छाओबी पर गुस्सा कर देता है। यहाँ पर छाओबी को भी बहुत गुस्सा आता है, जहाँ पर छाओबी बोलती है कि मेरी जॉब अभी के अभी छोड़ रही हो और अभी के अभी रिजाइन कर रही हो। यहाँ पर युचेन भी चिल्ला कर कहने लगता है कि जाओ जाओ तुम बहुत रिग्रेट करोगी। दूसरा युचेन अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसके लिए काफ़ी लेकर आ जाता है, जहाँ पर युचेन को उसकी हाथ की बनाई हुई कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती और कॉफ़ी को वापस कप में डाल देता है। दूसरी ओर उसका असिस्टेंट और कलीग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कलीग असिस्टेंट को बताने लगता है कि युचेन सर को कभी भी आपकी कॉफ़ी नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि बेचारे छाओबी मैडम हमेशा कॉफ़ी बीन्स बाहर से लाया करती थी और रोज़ अपने साथ कैरी करती थी उनके लिए। मुझे तो लगता है कहीं वो उनके साथ प्यार में ना पड़ गई हो। और यहाँ पर युचेन मुस्कुराता हुआ चला जाता है। दूसरी ओर उन्हें जाना होता है इवेंट में। इसके बाद में युचेन अपना फोन देख रहा होता है तो उसे दिख जाता है छाओबी का प्रोफाइल पिक्चर, और उस प्रोफाइल पिक्चर में वो सेम डॉग होता है जो युचेन ने अपने ग्रैंडपा के घर पर भेजा था, तो फिर वो उसे एक टैक्स डालकर छोड़ देता है। दूसरी ओर छाओबी पहुंच जाती है उस इवेंट में। फिर यहाँ पर मिसेस ली आ जाती है जिनकी बर्थडे पार्टी होती है। यहाँ पर छाओबी उनकी तारीफ करने लगती है तो मिसेस ली बोलती है बंद भी करो, इस पूरे बैंकवेट में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड युचेन कहाँ पर है। यहाँ पर छाओबी कहने लगती कि उसे ऑफिस में कुछ काम था इस वजह से वो अभी नहीं आ पाया, लेकिन हो सकता है कि शायद वो चल रहा जाए। और सभी लोग छाओबी से बात करने आ जाते हैं, जहाँ पर छाओबी चली जाती है खाने वाले काउंटर पर। दूसरा यहाँ पर ये चला जाता है, जहाँ पर मिसेस लियो से कहने लगती है कि अभी अभी मेरी छाओबी से बात हुई है और तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम दोनों तो एकदम मेड इन हेवन हो और तो और परफेक्ट कपल्स हो। यहाँ पर युचेन सोचने लगता है कि मेरी वाइफ वो यहाँ पर कैसे आ गई। और यहाँ पर वो उसकी वाइफ के कपड़े में देख लेता है छाओबी को, जहाँ पर वो छाओबी से जाके बात करने लगता है तो छाओबी कहने लगती है कि मेरा कपड़ा मेरी मर्जी, मुझे जो पहनना होगा मैं पहनूंगी, तुम्हारी वाइफ के लिए जो तुमने लिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी दुनिया में एक ही आइटम होगा। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है जो छाओबी को युचेन करके कहने लगती है। यहाँ पर छाओबी अपना मुँह छुपा कर कहने लगती है कि नहीं तुम्हें गर्ल फैमिली हो गई है, तुम मुझसे बहुत पहले मिली रहोगी तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इसकी वाइफ हूँ, लेकिन मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ। और यहाँ पर वो बहाना मार कर चली जाती है, जहाँ पर दूसरी ओर आ जाती है शीन, जो आते ही युचेन से चिपकने लगती है। यहाँ पर फिर बाद में वो कार में होता है तो फिर उसका असिस्टेंट उसके लिए छाओ की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और उसे छाओ के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अभी उसका डाइवोर्स हुआ है। यहाँ पर युचेन को समझ नहीं आता तो वह कहता है कि मुझे मेरी एक्स वाइफ से मिलने जाना है। और यहाँ पर वह पहुँच जाता है छाओ के घर पे, जहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है जो उसी के डॉग के साथ थी, लेकिन युचेन उसे सामने से नहीं देखता, बस पीछे से देखकर मुड़ जाता है। और यहाँ पर वो जैसे ही मुड़ता है छाओ वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है और छाओ गिरने वाली थी लेकिन युचेन उसे बचा लेता है। इसके बाद में वो उसे पूछता है कि तुम क्या यहाँ पर रहती हो। छाओ तो सारी बात पलट देती है और बोलने लगती है कि तुम तो स्टॉक हो, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा जुर्म है, रुको मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। और यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है छोटा सा। फिर यहाँ पर छाओ चली जाती है, जहाँ पर उसके लिए डिलीवरी वाला कुछ पार्सल लेकर आया होता है। फिर बाद में वो चली जाती है अपने घर पर, जहाँ पर
मिनी उसे पूछने लगती है कि तुझे सब कुछ क्यों नहीं बता देती। लेकिन यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मेरे पास ये सब बात करने का समय नहीं है, मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ और मुझे नहीं चाहिए कि वो इंसान वापस मेरी लाइफ में आ जाए और हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसके बाद में वो चली जाती है बाथटब में रिलैक्स करने के लिए और कॉल आ जाता है युचेन के सेक्रेटरी का, जो उसे कहने लगता है कि हमारे बॉस आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वापस कंपनी में आने का। यहाँ पर शाओ का फोन नीचे गिर जाता है पानी के अंदर, तो वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर सबको लगने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर बाद में कॉल ले लेता है युचेन और उसे पूछने लगता है, जहाँ पर शाओ उसे बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, और यहाँ पर वो सुनाकर कॉल कट करने वाली थी। लेकिन युचेन उसे कहने लगता है कि बस एक मंथ के लिए मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें जितना कमीशन तुम्हें चाहिए उतना कमीशन तुम खा सकती हो, लेकिन बस वन मंथ के लिए मेरे साथ आ जाओ। और यहाँ पर शाओ उसे हाँ बोल देती है और मन में सोचती है कि एक बार पैसे आ गए फिर तुम देखना, मेरे खुद के 10-15 सेक्रेटरी खड़े कर दूंगी। यहाँ पर दूसरा युचेन बहुत खुश हो जाता है और फाइनली शाओ भी आ जाती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर वो युचेन के लिए अपनी अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाती है। इतने में उनका असिस्टेंट आकर उन्हें बताने लगता है कि हमें उनका पता चल गया है कि किसने अभी कॉफ़ी में ड्रग्स मिलाए थे। यहाँ पर फिर बाद में वो लग लब जाने लगता है, जहाँ पर शाओ भी डरी हुई थी कि अगर युचेन को पता चल गया कि उस रात मैं ही उसके साथ ही, तो फिर तो मैं काम से गई। लेकिन यहाँ पर वो वॉशरूम का बहाना देकर कहीं और चली जाती है, जहाँ पर कोई उसे सताने लगता है। दूसरा युचेन बैठकर मैनेजर से बात कर रहा था, तो उससे शाओ भी की आवाज़ आ जाती है और वो शाओ भी को बचा लेता है। यहाँ पर युचेन जाते जाते उस मैनेजर के साथ में अपने क्लब का सारा प्रमोशन खत्म करके जा रहा था और वो प्रोजेक्ट्स भी जो 10 बिलियन के वर्थ करते थे। यहाँ पर युचेन शाओबी को बोलने लगता है कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई बुली नहीं कर सकता। यहाँ पर शाओबी मन में बोलने लगती है कि मैं तुम्हें भी खुद को क्यों बुली करने के लिए दूँ। यहाँ पर फिर बाद में वो उसे पूछती है कि अगर मेरे बदले कोई और सेक्रेटरी यहाँ पर होती तो क्या आप उसकी जान ऐसी बचाते। लेकिन यहाँ पर युचेन उसके सर पर छोटा सा एक फिंगर क्लिक करके चला जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर शाओ भी एक टेम्पलेट देखती है डांस का, तो फिर युचेन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भी डांस पसंद है। यहाँ पर शाओ भी उसे ना कह देती है, लेकिन मम ने बोलने लगती है कि मुझे डांसिंग करना तो बहुत पसंद है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें तो याद ही नहीं होगी। फिर दूसरी ओर हम अचानक से रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओ भी जा रही होती है तो फिर युचेन वहाँ पर होता है, जहाँ पर दो गुंडे युचेन पर वार कर देते हैं और शाओ भी उसकी जान बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो गुंडे शाओ भी के पैरों पर भी मार देते हैं। इतने में वहाँ पर युचेन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और युचेन यहाँ पर शाओ भी को अपने गले का नेकलेस दे देता है और फिर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं। लेकिन हमें पास के सीन से ये पता चलता है कि शीन ने नहीं बल्कि शाओ भी नहीं उसकी जान बचाई थी, और युचेन को लग रहा था कि शीन ने उसकी जान बचाई है और शीन का पैर टूटा है, लेकिन पैर तो टूटा होता है शाओ भी का, जिस वजह से वो बेचारी लाइफ में वापस कभी भी डांस नहीं कर पाई। एंड यहाँ पर हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं, जहाँ पर युचेन बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद रहा होता है, तो शाओ भी बोलने लगती है कि मशीन कितनी लकी है आप उनके लिए इतने गिफ्ट्स ले रहे हो। इसके बाद में वो लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट सभी के लिए हॉलीडे लेकर आया होता है और एक बड़ा सा बैग दे देता है शाओबी को, और उसके अंदर वही बैग निकलता है जो उसने उस दिन शॉप पर देखा था, और उसे लग रहा था कि वो ये बैग शीन के लिए खरीद रहा है। यहाँ पर मन ही मन शाओ भी खुश होने लगती है। इसके बाद में वो चली जाती है अपने गांव में अपने भाई से मिलने के लिए। यहाँ पर वो अपने भाई को बताने ही वाली होती है कि उसके भाई को लगता है कि शायद से युचेन ने तुम्हें बुली किया होगा, और वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन शाओ भी यहाँ पर बात पलट देती है। इसके बाद में हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर युचेन असिस्टेंट को पूछता है तो मेरे गिफ्ट को लेकर शाओ भी का क्या रिएक्शन था। यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि कुछ खास नहीं था। एंड यहाँ पर युचेन उसकी टेबल पर वो हैट देखता है जो शाओ भी ने अपने लिए खरीदा था, तो युचेन वो हैट को ले लेता है, जहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि ये तो मिसेस शाओ भी का है, आप इसे क्यों ले रहे हो। युचेन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये उसने मेरे लिए खरीदा है, लेकिन उसे ये चीज़ मुझे देने में शर्म आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इसे ले लूँ, और यहाँ पर वो उसे लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शाओ भी अपने भाई के घर के बाहर एक पोस्टर देखती है जिस पर शीन का फोटो होता है और इस पर बहुत सारे नीडल्स मारे हुए थे। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो वही लड़की है जो उसके भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है, और उसने उसके भाई का 50 मिलियन का लॉस करवाया है, और साथ ही साथ वो यहाँ से भाग चुकी थी और अपना नाम चेंज करके वो एक एक्ट्रेस बन चुकी है। यहाँ पर वो अपने भाई को बोलने ही वाली होती है सारी सच्चाई, लेकिन इतने में उसे कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से कि ग्रैंडपा को बहुत अर्जेंटली हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाती है।
यहाँ पर ग्रैंडपा शाओबी से कहते हैं कि मुझे इतना कुछ नहीं है, बस मामूली सी तकलीफ है। लेकिन शाओबी उसे बोलने लगती है कि मामूली सी तकलीफ से ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो आपको आपका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर फिर वो उसके लिए एप्पल पील करने लगती है, जहाँ वो उसे कहती है कि पहले आप ये एप्पल खा लो, मैं फिर आपके लिए आपके फेवरेट कॉर्न के पॉजेस लेकर आऊँगी। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा शाओबी को इस तरह उदास देख समझ जाता है कि उसके बीच में और यूचिन के बीच में झगड़ा हुआ है। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बोलने लगता है कि तुम रुको, मैं अभी उसे कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। लेकिन शाओबी उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। ग्रैंडपा कहने लगते कि मैं समझ सकता हूँ वो कितना नालायक है, लेकिन एक बार बात करके तो देखो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और मैंने उसे कॉल किया था, शायद वो अभी आता ही होगा। और यहाँ पर हमें शूज की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर यूचेन तो नहीं लेकिन शीन आई होती है सनफ्लावर्स लेकर। यहाँ पर वो शाओ को देख कर शॉक हो जाती है और शाओबी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर शीन कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई हूँ। इतने में ग्रैंडपा को खांसी आने लगती है, जहाँ पर शाओबी चिल्लाकर शीन को जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पास सनफ्लावर्स होते हैं और ग्रैंडपा को सनफ्लावर की स्मेल से भी एलर्जी है। दूसरे डॉक्टर यहाँ पर शाओबी को बोलने लगते हैं कि मैंने ग्रैंडपा को देख लिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे चीयर अप रखो, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उन्हें जीने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरे यहाँ पर शीन उसे रोक लेती है जाते हुए, और यहाँ पर वो शाओबी को बोलने लगती है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए और मेरे यूचेन को छोड़ दो। शाओबी शीन से कहती तुम क्या यूचेन की माँ हो जो तुम मुझे पैसे दे रही हो और छोड़ने के लिए बोल रही हो, ये कैरेक्टर तो उसकी मम्मा का है तुम्हारा नहीं। फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, लेकिन यहाँ पर वो 5 के इशारे करती है, जहाँ पर शीन बोल देगी ठीक है 5 मिलियन देती हूँ मैं तुम्हें। फिर वो कहती है 5 मिलियन नहीं 5 बिलियन, अगर दे पाओगे तो बताओ। तुम्हारे यूचेन को सी फूड्स नहीं पसंद, उसे पीनट बटर से एलर्जी है, साथ ही साथ उसे कैट्स ज़्यादा डॉग्स पसंद है जो मुझे भी पसंद है, और वो बेचारा हर टाइम स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना रख कर जाया करता है, तो इतने अच्छे यंग हैंडसम और इतने सिंसियर हार्ट वाले लड़के को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तो उसे सड्यूस कर ही रहूंगी। और ये सारी बातें जब शाओबी कह रही होती है तो वहाँ पर आ जाता है यूचेन, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन यहाँ पर से शाओबी भाग जाती है। इसके बाद में यूचेन अपने ग्रैंडपा से मिलता है, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। यूचेन कहता है कि चलिए हम खाना खाकर आते हैं, लेकिन ग्रैंडपा बोलने लगता है कि जरूरत नहीं है, मेरी डॉटर इन लॉ मेरे लिए खाना रख कर गई है। यहाँ पर फिर यूचेन वो बैग देखता है और वो बैग सेम वही होता है जो उसने शाओबी को हॉलीडे डे के दिन गिफ्ट दिया हुआ था। फिर उसका शक और भी बढ़ जाता है। दूसरे यहाँ पर शाओबी जा रही होती है टिफिन लेके, तो दूसरा लिफ्ट से आ रहा होता है यूचेन, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग लिफ्ट में चले जाते हैं। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं यूचेन को जब अपने ऑफिस में बैठा था, और तो और उसका असिस्टेंट उसके लिए एक न्यू ब्लेजर सूट लेकर आया जाता है और बोलता है कि इसे पहन लीजिए, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, साथ ही साथ ही नेक टाई भी पहनना। यहाँ पर वो पूछता है कि ये नेक टाई तो कुछ देखी देखी सी लग रही है, फिर उसे याद आने लगता है कि ये नेक टाई तो उसकी वाइफ ने भिजवाई है, और उसे वो शॉप वाला सीन भी याद आ जाता है जहाँ पर जो स्टाफ थी वो शाओबी को बोल रही थी कि क्या ये नेकटाई आप वापस लेना चाहोगी। फिर यूचेन का शक और भी बदल जाता है, तो वो शाओबी को अंदर बुलाने के लिए बोलता है, एंड शाओबी उसी टाइम पे अंदर जाती है जिस टाइम पे वो कपड़े बदल रहा था। फिर यूचेन उसे टाई पहनाने के लिए कहता है, यहाँ पर शाओबी उसे टाई पहनाने लगती है, तो यूचेन उसे पूछने लगता है उस दिन जो हॉस्पिटल में तुमने कहा वो सच था, लेकिन यहाँ पर शाओबी बोलने लगती है कि नहीं, मैंने जो कहा वो एकदम साफ झूठ था, क्योंकि वह सारी चीज़ें जानबूझकर मुझे बोलनी पड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लवर शीन की वजह से, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रवोक किए जा रही थी। फिर वो उसे पूछता है कि तुम उस दिन किससे मिलने गए थी। यहाँ पर शाओबी बोलने लगती है कि ये सारी बात बताना मेरा काम तो नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, और ये सब जो कुछ भी हुआ है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। साथ ही साथ में वो जाकर अपने डेस्क पे बैठती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और कहने लगता है कि लगता है आपने हमारे बॉस को बहुत उदास किया है, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आज ख़त्म करने और ज़रूरत पड़ी तो घर आकर भी सबमिट करने के लिए, और आधी रात के समय वो बेचारी डॉक्यूमेंट्स बचाने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। यहाँ पर वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है, और फाइनली जैसी वो पीछे मुड़ती है वहाँ पर होता है यूचेन, जो अपने टॉवल में होता है। यूचेन उसे कहने लगता है कि तुम तो एकदम टाइमिंग पर आती हो, जब मैं अपने कपड़े बदलने वाला रहता हूँ। और यहाँ पर शाओबी बोलने लगती है कि मेरा काम अब हो चुका है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी वो वहाँ से जा रही होती है तो गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं, और तो और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से शीन सब कुछ देख रही थी, कैसे किस तरह से गुंडे उसे क्लब में लेकर आकर उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे थे। यहाँ पर कैसे कैसे करके तो वो बेचारी भाग जाती है और उस रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर शीन होती है,
और यहाँ पर शीन के गले में वो सेम नेकलेस देखती है जो उसे दिया हुआ होता है योचन ने उसकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और शीन उसे छोड़कर वहीं चली जाती है। इतने में वहाँ पर योचन आता है जो उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर वो योचन से कहती है कि ये सब कुछ शीन ने किया है, लेकिन योचन उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था तो वो गुस्से में खुद अपने आप अकेली वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर योचन उसे ढूंढता ही रह जाता है। दूसरी वो अपने भाई से कॉल कर पूछती है कि आखिर क्या तुम्हारी शीन ने वो नेकलेस चुराया था? तो फिर उसे कहता है कि चुराया नहीं था, 3 साल पहले वो हमारे घर पर आई थी जहाँ पर उसे वो नेकलेस बहुत पसंद आ गया था, तो वो जबरदस्ती मुझसे वो मांगने लगी तो मैंने उसे दे दिया। फिर यहाँ पर बेचारी रोने लगती है। फिर घर जाकर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। इतने में उसकी बेस्टी मिनी आ जाती है जो उसे शांत रहने के लिए बोलती है। फिर बाद में छाबी मिनी को सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर दूसरी और उसकी बेस्टी दिमाग लगाती है और यूचन को कॉल करके बोलती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी बार के बाहर खड़ी हुई है और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। और यहाँ पर छाबी बैठी हुई होती है तो यूचन उसे लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बिल्डिंग के सामने आ जाता है। तो फिर उसका हाथ जो होता है वो छाबी के मुख के सामने होता है तो छाबी उसे चिकन लेग समझकर काट लेती है जोर से। फिर यहाँ पर यूचन बोलता है कि तुम कहाँ रहती हो, लेकिन यहाँ पर छाबी रोने कर लगती है और बोलने लगती है कि यूचन ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊंगी। यहाँ पर यूचन उसे रोने से मना करता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ पे छाबी उसे हग करने लगती है, साथ ही साथ अपना पैर भी उसके पैर पर डाल देती है। यहाँ पर यूचन बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। छाबी को न जाने की उसकी बॉडी एकदम टफ लग रही थी और सॉफ्ट पुल नहीं लग रहा था और यहाँ पर वो उसे धक्का मार देती है, जहाँ पर यूचन गुस्से में बोलता है एक बार तुम सुबह उठो बेटा फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर छाबी एक नए मिशन पर आ जाती है जहाँ पर उसे यूचन को इम्प्रेस करना होता है और यहाँ पर वो उसके लिए कॉफी लेकर आती है जिसमें हार्ट शेप बना हुआ होता है। यूचन कहता है कि ये सब क्या कर रही हो, काम पे ध्यान रखो, और तो और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर उसके जाने के बाद वो बहुत खुशी खुशी उस कॉफी को पीता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। दूसरा यहाँ पर छाबी उसे उसके डॉक्यूमेंट्स देती है जिस डॉक्यूमेंट्स के सेकेंड पेज पर हार्ट ड्रॉ किए होते हैं। यहाँ पर एक बार फिर यूचन ब्रश करने लगता है और छाबी उसका दिल जीतने का कोशिश करती है। फिर बाद में वो उसके लिए लंच लेकर आ जाती है। यहाँ पर वो उसका लंच खाकर बोलता है कि ये तो बहुत ऑयली है और बराबर से तुम्हें इसे उबाला नहीं है। तो फिर वो गुस्से में सारा लंच लेकर चली जाती है, जहाँ पर बाहर आई होती है शीन। तो फिर शीन को वो अंदर जाने नहीं देती और यहाँ पर शीन उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर छाबी उसके गले से वो नेकलेस चुरा लेती है। इतने में पीछे से आ जाता है यूचन जो उन्हें झगड़ने से मना करता है। छाबी उसे उसका नेकलेस देकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर यूचन भी शीन को घर जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर शीन जान पूछ के ग्रैंडपा को कॉल लगाती है और बोलने लगती है कि आपका बेटा किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए उसने डाइवोर्स दे दिया। यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं अपनी मेड के साथ एकदम गुस्से में, जहाँ पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं यहाँ पर यूचन और छाबी आपस में किस कर रहे होते हैं और छाबी जानबूझकर यूचन को किस की थी। यहाँ पर वो लोग देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर यूचन को समझ नहीं आता कि ग्रैंडपा ने हमें इस पोजीशन में देखा लेकिन उन्होंने हमें कुछ कहा ही नहीं। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है सीसीटीवी फुटेज लेकर और वो कहने लगता है कि उस दिन क्लब में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस छाबी ही थी। यहाँ पर फिर वो छाबी को बुक के अगेंस्ट करता है और बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हें वापस से किस करना ही होगा। यहाँ पर छाबी शर्माने लगती है, साथ ही साथ में उसे गलती से बटन दब जाता है जिस वजह से ग्लास ओपन हो जाता है एंड सभी स्टाफ उन्हें इस हालत में देख लेते हैं, जहाँ पर छाबी भाग जाती है। इसके बाद में छाबी मिलती है अपने भाई से, जहाँ पर आ जाती है शीन। यहाँ पर छाबी उसे बोलने लगती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा एक्स मेरा भाई है, तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुमने जो नेकलेस चुराया है वो मेरा है। यहाँ पर शीन ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इतने में वहाँ पर आ जाता है यूचन, जहाँ पर छाबी का भाई उसे धक्का मार करता है और उसे बहुत लग जाता है। यहाँ पर यूचन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर छाबी उसे माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर उसके भाई को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बहन ने यूचन से माफ़ी क्यों मांगी। इसके बाद में शीन यूचन को बताने लगती है कि वो जो था वो छाबी का भाई था, मुझे पता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन कितना बदतमीज इंसान है वो। यहाँ पर जैसे यूचन को पता चलता है कि वो उसका भाई है, वो तुरंत शीन को वहाँ से उतार कर वापस उनके पास माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी कार में बैठ गए थे। दूसरी ओर यहाँ पर वो अपने भाई को लेकर घर पर आ जाती है और उसका भाई कहता है कि अभी के अभी यूचन से डाइवोर्स ले लो और वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद में वो ऑफिस में आती है, जहाँ पर उसे कॉल आता है एक लड़की का जो उसे डेट के लिए बुला रहा हो।
होता है और वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी। उन दोनों को लगने लगता है कि शायद से वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही है, तो फिर यू चेन भी उसके बाजू वाले डाइनिंग टेबल का सीट बुक कर देता है ये सुनने के लिए कि आखिर वो अपने एक्स हस्बैंड से क्या बात करेगी। इसके बाद में जहाँ पर वो लड़का उसे बताने लगता है कि शादी के बाद आधे काम तुम करना आधे काम मैं करूँगा, साथ ही साथ में मैं बाहर के काम देखूंगा तुम घर के काम देखना और बच्चों को पालना मेरी मम्मी को संभालना। यहाँ पर शाओबी का गुस्सा आने लगता है, वो कहती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं घर का ध्यान रखने के लिए रेडी हूँ लेकिन उतना काम तुम्हें भी करना होगा। यहाँ पर वो लड़का बोलने लगता है कि मैं क्यों काम करूँ, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। और यहाँ पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है जहाँ से शाओबी जाने लगती है और बाद में यू चेन उसे रोकने लगता है, लेकिन शाओबी फिर भी वहाँ से चली जाती है। और यू चेन बहुत खुश होता है कि उसकी ब्लाइंड डेट को उसने स्पॉइल कर दिया, अब तो वो सिर्फ मेरी होकर रहेगी। इसके बाद में यू चेन मिलता है अपने लॉयर से जहाँ पर उसका लॉयर बताने लगता है कि आप और आपकी वाइफ वापस से डेट करने लगे हो। यू चेन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता और वो लॉयर उसे सब कुछ बताने लगता है और इतनी में एंट्री हो जाती है इसकी एक्स वाइफ शाओबी की, जहाँ पर लॉयर बोलते हैं कि ये देखो यही तो आपकी वाइफ है ना। यू चेन यहाँ पर शॉक हो जाता है, दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं जहाँ पर यू चेन बोलता है कि तुम मुझसे बदला ले रही थी। यहाँ पर शाओबी उसे सुना ही जा रही थी और गुस्से में होकर वहाँ से चला जाती है। साथ ही साथ यू चेन उसे कह देता है कि ठीक है अब से मुझे तुम्हारी हाथ की कॉफी कभी नहीं पीनी है, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगा। और वो अपने कैबिन में जाकर चीजें इधर उधर फेंकने लगता है गुस्से में, और उसका असिस्टेंट आ जाता है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे भी सारी बातें बताने लगता है। यहाँ पर वो शाओबी को जानबूझकर बहुत सारे काम दे देता है, जहाँ पर शाओबी को जाते हुए रात हो जाती है तो फिर वो फायर एग्जिट के स्टेयरकेस के यहाँ से जा रही होती है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और शाओबी को अंधेरे से डर लगता है। यहाँ पर वो डर डर कर जा रही होती है और उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और यहाँ पर उसका कॉल लग जाता है सीधा के सीधा यू चेन को। और यहाँ पर वो डर के मारे सीढ़ियों के बाजू में जाकर बैठ जाती है जहाँ पर यू चेन आ जाता है। वो यू चेन को ही मारकर बोलती है कि इतना जल्दी क्या आ रहे हो, मैंने तुम्हें एक मिनट पहले कॉल किया था तो 60 सेकंड्स पहले क्यों नहीं आए। और यहाँ पर वो उसके साथ झगड़ने लगती है। इतने में इलेक्ट्रिशियन बाहर आता है तो सबको समझ आता है कि इलेक्ट्रिशियन तो यहाँ पर वायर ठीक करने के लिए आया था और शाओबी को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं तो वो कहता है कि डैडी ने यानी कि ग्रैंडपा ने हमें डिनर के लिए बुलाया है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो ग्रैंडपा को बोलता है कि शाओबी अब से आपसे मिलने के लिए रोज आया करेगी। यहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें आज रात के लिए उधर ही रुकने के लिए बोलते हैं जहाँ पर शाओबी ना बोलती है लेकिन यू चेन हाँ बोल देता है, तो शाओबी गुस्से में आकर उसके पैर पर जोर से मार देती है। यहाँ पर शाओबी उसे कहने लगती है कि काम करना तुम फ्लोर पर सो जाना या फिर सोफा पे, लेकिन मैं तो बेड पे ही सोऊंगी। यहाँ पर वो बेड पर बैठी होती है तो फिर यू चेन उसे बेड के ऊपर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उनके ग्रैंडपा दरवाजे पर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी किस होने से बच जाती है। और यहाँ पर ग्रैंडपा यू चेन को सूप देते हैं पीने के लिए, असल में उसकी दवा होती है। और यहाँ पर यू चेन को न जाने कैसे चक्कर आने लगता है और उसके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होने लगते हैं। फिर वो शाओबी को किस करने लगता है जहाँ पर शाओबी बोलती है कि नाटक करना बंद करो, ग्रैंडपा इतने बुद्धू नहीं है कि वो तुम्हें कुछ दवा मिलाकर देंगी यानी कि ड्रग्स। और यहाँ पर यू चेन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि वो नाटक कर रहा था। इसके बाद में यू चेन को कॉल आता है उसके असिस्टेंट का जो उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताता है, तो फिर वो लोग दोनों के दोनों काम करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर बेचारी शाओबी सो जाती है। तो यू चेन उसे बेड पर लेकर जाता है और कहने लगा कि काश 5 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो आज हम साथ में होते। इसके बाद में शाओबी को ठीक नहीं लग रहा होता तो वो चली जाती है डॉक्टर के पास में चेकअप कराने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो तो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। दूसरी ओर शीन उसके पहले ही चली जाती है यू चेन से मिलने के लिए और उसे वो बताने लगती कि याद है तुमने एक पैटर्निटी टेस्ट करवाया था जहाँ पे हमें पता चला था कि तुम इनफर्टाइल हो यानी कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। इसके बाद में वो लोग डॉक्टर के पास में जाने लगते हैं जहाँ पर आ जाती है शाओबी। यहाँ पर यू चेन शाओबी के रिपोर्ट्स देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो प्रेग्नेंट है। यू चेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं कर सकता तो आखिर तुम किसका बच्चा लेकर घूम रही हो। और यहाँ पर वो गुस्से से चला जाता है। दूसरी रात के टाइम बारिश हो रही होती है और बेचारे के पास अम्ब्रेला नहीं होता तो फिर यू चेन उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर उनकी मीटिंग होती है
जहाँ पर शाओबी लेट आई होती है और असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि ये तो बहुत बीमार है, लेकिन यू चेन उसकी बीमारी को भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद में वो लोग रैनपा के यहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर रैनपा का बर्थडे होता है और यहाँ दोनों के दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इसके बाद में जब वो लोग रूम में जाते हैं तो यू चेन जबरदस्ती उसे किस करने लगता है, जहाँ पर शाओबी का गुस्सा आ जाता है और यू चेन उसे बोलने लगता है कि अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती है तो अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। और यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाने के बाद उसे कहता है कि अबॉर्शन करवा दो और मुझसे शादी कर दो, और यहाँ पर वो बहुत मना करती है और कहने लगती है कि तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन यूजन उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी ही नहीं होता। फिर बाद में उसके अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहाँ पे उतनी देर में असिस्टेंट आ जाता है जो बताने लगता है कि सारे की सारी फाइल्स और रिकॉर्ड सब के सब झूठ थे, आपको किसने कहा कि आप इन्फर्टाइल हो। यहाँ पर फिर बाद में यूजन को बहुत रिग्रेट होता है। दूसरे मशीन को देखते हैं जो शाओबी को लेकर टेरिस पर गई हुई थी। यहाँ पर शाओबी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है मैं यूजन को सारी सच्चाई बता सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं किया। यहाँ पर शीन जानबूझकर शाओबी को नीचे टेरेस से किदारने वाली थी। इतने में वहाँ पर यूजन आ जाता है जो शीन को वहाँ से धक्का मार देता है और यहाँ पर सभी के सामने सारी सच्चाई आ जाती है कि उस रात जिसने उसे बचाया था वो शीन नहीं बल्कि शाओबी थी और शाओबी ने जानबूझकर ये सब किया था। लेकिन यहाँ पर शाओबी अभी भी यूजन से नाराज थी, तो फिर वो अपने फ्रेंड के घर पे रहती है यानी कि मिनी के घर पे, एंड मिनी उसे न्यूज़ दिखा रही थी जहाँ पर शीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद में यूजन शाओबी को एक बार मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो जाती है तो फिर वो उसे फ्लावर्स देता है और यहाँ पर वो उसे बहुत माफ़ी मांगने लगता है, साथ ही साथ अपनी सिचुएशन समझाने लगता है, जहाँ पर शाओबी मान जाती है। इसके बाद में उसे वो एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर एक ड्रेस होती है और वो वेडिंग की ड्रेस नहीं बल्कि बैले डांस की ड्रेस होती है और बाद में शाओबी उसे पहन कर स्टेज पर परफॉर्म करने लगती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। फिर यहाँ पर सभी के सामने वो उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि हाँ मिस्टर यूजन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कन्फर्म है और बहुत ट्रस्टवर्दी है, उनसे ये रिंग ले सकती हो। और यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है, जहाँ पर शाओबी उसे हाँ बोल देती है। एंड इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।